उससे पहले लोगों का मूड क्या है? नितेश बताएं। देवीपी गंगा का जो सी वोटर सर्वे शुरू होने वाला है उसे लेकर काशी के जो लोग हैं उसमें उत्सुकता है, और ये वोटर हैं, ये समर्थक हैं, जिनमें खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। आप इस जोश को देखिए, जिस तरह से ये वोटर, ये समर्थक, इस समय ये जो समर्थक है इसमें कांग्रेस, बीजेपी और इसके साथ समाजवादी, तीनों पार्टी के समर्थक मौजूद है, और इनका जोश पूरी तरह से हाई है। अरविंद जी, क्या लग रहा है ये जो सर्वे एबीपी गंगा दिखाने जा रहा है किसके पक्ष में? आम जनता का ये उम्मीद है, आम जनता ये कह रही है, आम वोटर ये कह रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और संपूर्ण पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो हमारे पास समाजवादी लोग भी हैं, आप इधर बताइए कि आप लगातार निगाहें भी बनाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हर कोई उसी के समर्थन में है, तो समाजवादी क्या कह रहे हैं? नहीं, हर कोई कहां उसके समर्थन में है, किसके? हर कोई उसके समर्थन में नहीं है, हम भी आम जनता हैं और हम ये बात उठा रहे हैं कि मुझे बोलने का अगर मौका दिया जाए तो। ना, आप बताइए। इस बार नई हवा है, नई सपा है, अखिलेश यादव नई सपा लेके पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। इसका कारण साफ दिखता है बाबा मुख्यमंत्री का कि घर घर प्रचार करना पड़ रहा है, कहां गया ये विकास जो घर घर? ये एजेंडा भी हो सकता है, ये एजेंडा भी हो सकता है पार्टी की, एक अपनी अपनी कन्वेंसिंग की एक नीति भी हो। नहीं तो क्यों, जब विकास की है, डेवलपमेंट की है, हिंदू मुसलमान की है, आखिर में उसकी वजह रही है ना। तो आप लोग देखिए, आप लोग नारेबाजी कर भी रहे हैं आराम से थोड़ा सा, आप बताइए दिनेश जी कि क्या माहौल है? देखिए, आप खुद देख रहे हैं काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम में हम लोग खड़े भी हैं, और आज बाबा विश्वनाथ का देख लीजिए, गली सड़क देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो योगी जी ने किया है, आज तक ऐसा विकास कभी काशी में नहीं हुआ था, न प्रदेश में हुआ था। युवा भी पीछे मौजूद है, आप बताइए कि किस तरह की चीजें जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, वोटर क्या सोच रहे हैं? देखिए, पूरी तरह से काशी योगीमय हो चुकी है और वोटर का ध्यान पूरी तरह से कमल के निशान पे जा चुका है। क्या इस बार विकास, विकास, कमल का निशान, ये सारी बातें जिस तरह से कही जा रही है वो क्या है? ये एक पार्टी के कार्यकर्ता है, हो सकता है उस पार्टी की बात बताएंगे, कुछ और भी लोगों से आप बताएं। कुछ नहीं, हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, कुछ नहीं किया है। बेरोजगार का प्रश्न कौन उठा रहा है? नहीं होंगे आप लोग, जो पढ़ा लिखा है, जो नौकरियां देने की बात कौन कर रहा है? सर, मंदिर मस्जिद वगैरह से कुछ होने वाला है, जब तक आप रोजगार नहीं दीजिएगा, जब तक आप लड़कों को कुछ रोजगार नहीं देते, तो कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आप रोजगार पर बात नहीं करते हैं, आप रोजगार पर बात करते हैं, नहीं करते हैं। आप पंजी बदल, इस बार सापा के पूरी सरकार आएगी सर, हम लोग के लिए, हम लोग स्टूडेंट है सर, हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए योगी मोदी क्या कर रहे हैं? 5 साल से सरकार है ना, कितने वैकेंसी क्लियर किए हैं? कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। हम लोग पढ़े लड़के हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? ऐसा है कि मैं 5 साल से हम लोग, कितने साल पढ़े सर? मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएट हूँ, LLB किया, अभी प्रैक्टिस भी करता हूँ। संस्कृत में गीता में श्लोक कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जिसका अर्थ ये है कि जब जब, जरा शांत हो जाइए, जरा शांत, जब जब ना, आप बताइए, जब जब धरती पे धर्म का नाश होगा और अधर्म का विकास होगा। बिल्कुल नीतीश, तो वाराणसी संस्कृत की नगरी है, विद्वानों की नगरी है, तो हर हर महादेव भी हो रहा है वहां पर, मंत्र श्लोक भी सुनाए जा रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिए, देहरादून।